हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक थिंग्स फर्स्ट ओके लाइक व्हाट इज नेचुरल नंबर व्हाट इज इंटीजर्स एंड लाइक मींस यू आर इन सेकंड सेमिस्टर तुम लो मतलब कि आप डिस्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ओके तो उससे पहले क्या होता है कि ना कुछ नंबर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा है बट फिर भी आपको बाद में काम में आएगा। इसलिए मैं चीज़ों को बता देती हूँ ओके तो फर्स्ट इज़ माय नेचुरल नंबर ओके आप तो बोलोगे कि हमने पढ़ रखा बट फिर भी फॉर योर बेसिक नॉलेज देखो हम एन को इस टाइप से डिनोट करेंगे क्यों क्योंकि पहले जो हम पढ़ते थे ना वो अलग होता था बट नेचुरल नंबर का नोटेशन होता है कि एन के फर्स्ट वाला जो हमारा डंडा बोल दे उसमें हम दो लेते हैं दो टू लाइंस ओके दो लाइंस बनाते हैं और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं मतलब बचपन में तो आप पढ़ रखे होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है जिसमें जीरो नहीं होता उसके बाद बाकी एलिमेंट्रीज होते हैं वन टू थ्री एंड सो ऑन ये मेरा नेचुरल नंबर है अच्छा मुझे इंटीजर्स पूछा गया एंड द इंटीजर का नोटेशन ये है जेड में और एक और एक लाइन ऐड करते ओके okay? तो इसमें आ जाता जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन अगर आपको जेड प्लस पूछा है जेड प्लस क्या आ जाएगा देखो पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा वन टू थ्री सोन so okay. का minus 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 so okay. so मतलब समझ रहे हो ना कि वो खत्म नहीं हो रहा माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन ऐसा चलता ही जा रहा है ओके तो जेड जो है जेड किससे बनता जेड बनता जेड प्लस जीरो union यूनियन union Z माइनस मतलब Z जो है एक ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसके साथ ज़ीरो भी होता है और उसके साथ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ओके okay? इसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर दिस इज इंटीजर दिस इज़ पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको पॉजिटिव इंटीज़र बोला है तो आप ये सेट सोचो कि वन टू थ्री ओके दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है वो नेचुरल नंबर होता है पढ़ा ओके और सेरो और नेगेटिव इंटीजर का यूनियन होता है ओके ये थी बेसिक चीज है अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगी अब बताना कि वो होता है क्या है ओके मैं पहले लिख रही हूँ अब बताना देखिए माई फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोशिएटिव ओके अगर आपको एसोशिएटिव बोला है ओके okay? अगर आपको एसोशिएटिव बोला है तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी क्योंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है कि एसोशिएटिव अंडर एडिशन पूछा है ओके okay? या फिर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन और मैं यहाँ पे अंडर के ऊपर नहीं दे रही हूँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ओके okay? तो देखो यहाँ पर पूछा क्या है कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव दिखाना है या अंडर मल्टीप्लीकेशन मुझे एसोसिएटिव दिखाना है ओके दो चीज़ें होती हैं आप मतलब कि अभी मैथ्स में फील्ड बनाने जा रहे हो मतलब मैथ्स को करियर बनाने जा रहे हो तो ये चीज़ें आप जान लो कि हम एसोसिएटिव चेक करते तो किन किन केसेस में हम चेक कर सकते हो होके तो फर्स्ट केसेस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आप जब आगे जाओगे जो कि ग्रुप थेरी में कन्वर्ट होगा तो हम एसोसिएटिव डिफरेंट ऑपरेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं बट वो मैं नहीं बताऊंगी जो आपके लिए नेसेसरी है वो मैं बताऊंगी ओके okay? तो आपको अभी मेरे को आप दिखाओ कि एडिशन के, के अंडर में तो अगर एडिशन के अंडर में मुझे एसोसिएटिव uh, दिखाना तो बचपन में क्या पढ़ते थे आप खुद से सोचो ना कि ए प्लस बी एंड प्लस सी लिख देते थे और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिख देते थे और यहाँ पे क्या करते थे कि फर्स्ट दो में ब्रैकेट दे देते दे 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 थे एंड सेकेंड दो में ब्रैकेट दे देते दे दे थे ओके okay? यही करते थे ना तो आप ये चीजें अगर आपको कोई पूछ रहा है कि इज दिस ट्रू फॉर नेचुरल नंबर क्या ये ट्रू है नेचुरल नंबर के लिए जैसे एग्जाम्पल ले लो आप ओके okay? एग्जाम्पल लो नेचुरल नंबर का सेट क्या है मेरा मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नेचुरल नंबर का सेट है वन टू थ्री एंड सो ऑन ओके okay. तो कोई सा ए भी जो है ना आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट दैट मींस आई चूज ए टू बी टू बी टू बी सेवन एंड सी टू बी नाइन समथिंग ओके तो आई हैव टू शो कि ए प्लस बी प्लस सी ये निकाल लेते हैं ए प्लस बी क्या होगा टू प्लस सेवन प्लस नाइन अच्छा टू प्लस सेवन अगर कर दो तो नाइन प्लस नाइन विच इज इक्वल टू एटीन ओके अब देखो सेकेंड वाला केस कैसे ए प्लस बी प्लस सी ओके तो सेवन प्लस नाइन तो क्या हो गया टू सेवन प्लस नाइन कितना हो गया मेरा सिक्सटीन एंड ये क्या हो गया एटीन हो गया मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा देखिये ए प्लस बी प्लस सी जो निकाली मैं ये और ये इक्वल आ गया दैट मीन्स एल एच एल इज इक्वल मीन्स ये क्या हो गया एसोसिएटिव बन गया ओके okay, आप रैंडम कोई एलिमेंट्स के लिए ले सकते हो मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोला कि आप पहले दो को जोड़ो और तीसरे को जोड़ दो तो सेम आएगा या दूसरा और तीसरा को जोड़ दो देन पहले को जोड़ दो इक्वली तो रहेगा ना एडिशन के केस में ये हर ऑपरेशन में नहीं होता इवन मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है ओके वो होमवर्क रहा आपका आप चेक करना बट मैंने एडिशन के लिए शो किया मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक कर लेना ओके मैं जो चीजें बोलती हूँ आपको काम में आएगा का, इसलिए मैं बोल रही हूँ तो आप थोड़ा केयर किया के करो ओके नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा कम्यूटेटिव ओके Commutative. तो commutative क्या है कम्यूटेटिव भी दो टाइप के होते मीन्स अंडर एडिशन होता है ओके एंड मल्टीप्लीकेशन बट मैं यहाँ पे आपको एडिशन के लिए शो करूंगी तो यहाँ पे होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ओके okay. अगर मैं ये शो कर दूं कि अगर मेरा सेट का जो एलिमेंट है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो वो कम्यूटेटिव होगा तो आप नेचुरल नंबर के लिए एक बार चेक करना ये आप करोगे क्योंकि मैं सारी चीज़ें करके नहीं दूंगी ओके okay? आप सीखो खुद से और एक आप इंटीजर्स के लिए चेक करना ओके okay? क्या ये ट्रू है तो देखना है, ये आपको ट्रू मिलेगा ओके okay? आपको क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा ये आप चेक कर लेना ओके okay? अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो पे इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव okay. अगर आपको ऐसे क्यों ना ए मतलब ए डॉट बी प्लस सी ओके तो आप क्या लिखोगे ए डॉट बी प्लस ई डॉट सी ओके तो यहाँ पे डॉट जो है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है ओके मल्टीप्लीकेशन पे जो डॉट है यहाँ पे इक्वल है तो देखो एग्जांपल ले लो आप फॉर नेचुरल नंबर आप ए को सपोज टू ले लो बी को थ्री ले लो सी को फोर ले लो तो एलएचएस क्या बोल रहा है मेरा एलएचएस बोल रहा है ए इनटू बी प्लस सी जो कि क्या है अ टू इनटू थ्री प्लस फोर तो बचपन में सब ने बॉर्ड मास पढ़ा रहता है ब्रैकेट ऑफ क्या होता है डिवीजन मल्ट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो फर्स्ट वो क्या करना है हमें कि इसे एज इट इज रखते हैं और टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा मेरा सेवन ओके देखो क्या हो गया फोर्टीन अब दूसरे केस में चलते ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर तो थ्री टू जिक्स एंड फोर टू जर एट तो ये क्या हो क्या? आपका गया आपका फोर्टीन आ गया मीन्स ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी है जो नेचुरल नंबर का सेट है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव आप इंटीजर्स के लिए चेक करना ओके अब आगे चलते हैं Did, additive identity okay? additive, identity so, what is additive तो वट इज आइडेटिव आइडेंटिटी ओके देखिए एडिटिव बोला है तो पहली बात हम प्लस पे जाएंगे क्योंकि एडिशन एडिटिव का मतलब होता है प्लस आइडेंटिटी क्या होता है आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर लाओ बॉक्स में सपोज एक ऐसा डब्बा आप एक ऐसा डब्बा लाकर के दो जिसके साथ मैं उस नंबर को ऐड कर दूं जो आपको नंबर गिवन है ओके दैट इज क्वेश्चन मार्क तो आपको क्वेश्चन मार्क रिटर्न से मिल रहा हूँ माय कांसेप्ट इज मुझे एक नंबर गिवन है उस नंबर को मैं ए मान लेती हूँ आप मुझे एक ऐसा बॉक्स लाकर के दो जिसको मैं सम कर दूं तो फिर से मुझे ए ही मिल जाए ओके कि मेरे में कोई चेंजेस ना हो आप मुझे ऐसा एक नंबर लाके दो क्योंकि हम नंबर्स पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे एक ऐसा नंबर्स लाके दो कि जो कि मेरे मेरा ए ही रह जाए जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास सपोज कुछ रुपए हैं दैट इज ए ओके और मुझे तुम ए, इतना पैसा दो फिर से जिसको मैं जोड़ने के बाद मुझे फिर से ए वापस मिल जाए तो क्या तुम्हारा पैसा में कोई चेंजेस आए जैसे कि देखो आपने बोला कि ए ए अमाउंट मेरे पास है और मुझे एक इतना रुपया तुम दो जिसके बाद जिसको जोड़ने के बाद मुझे फिर से उतना ही रुपया बचा रहा है मतलब तो जिसको मैं जोड़ भी दूं और मेरा पैसा बढ़े भी ना मतलब क्या है मैं कुछ ऐड ही नहीं कर रही हूँ अगर मैं ए वन भी ऐड कर दूं तो ये ए प्लस वन रुपीज बन जाएगा ना तो मुझ में तो कुछ ऐड ही नहीं कर रही हूं। मतलब ज़ीरो ज़ीरो ही होगा ना जिसको मैं ऐड करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा ए तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है आपका देखो, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो ओके एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जीरो होता है यहाँ पे आपको समझ आया कि आप ऐसे इतना रुपया एड करो अपने पैसे में कि आपका पैसा चेंज भी ना हो मतलब जितना था उतना ऐड करने के बाद भी बचे मतलब क्या आप कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हो ना तभी आपका पैसा नहीं बढ़ रहा अदरवाइज तो जीरो पॉइंट फाइव भी ऐड करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव बढ़ जाएगा ओके okay? तो इसलिए आपका एडिटिव आइडेंटिटी जीरो बन गया ओके इनवर्स ओके एडिटिव इनवर्स ये उसका उल्टा है ओके आपके पास सपोज ए रुपीज है आप मुझे इतना दो, जिसके बाद मुझे क्या हो जाए जीरो बच जाए, आपके पास जो पैसे हैं, आप पूरा मुझे दे दो उसके तो आपके पास जीरो बचेगा अदरवाइज उन्होंने ना बोला कि आपके पास ए रुपीज है और मुझे इतना रुपया आप दो जिसके बाद आपके पास जीरो बचे मतलब आप मुझे क्या दोगे पूरा पैसा दोगे ओके तो दैट इज माइनस ए एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आपके पास टेन रुपीज है सपोज हाँ आप बोले कि मुझे एक इतना अमाउंट पैसा दो जिसके बाद तुम्हारे पास कितना रुपया बचे दस रुपये तो मुझे कितना दोगे दस दोगे ना बट नेगेटिव में दोगे मतलब अगर दोनों को सम कर दूँ तो फिर जीरो आ गया दिस इज एडिटिव इनवर्स ओके अब आगे चलते हैं एक चीज आप देखो ए डिवाइड्स बी ये नोटेशन का मतलब क्या होता और यहाँ पे ए जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए ओके अगर जैसे कि एक चीज़ आप पढ़ रखे होंगे फिर भी मैं बताती हूँ एक नंबर है सपोज टू डिवाइडेड बाई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता ओके एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब हम लोग इन्फिनाइट बोलते लेकिन इन्फेनाइट कोई वैल्यू नहीं होता है ओके डजेंट एग्जिस्ट बोल सकते हैं तो अगर ए डिवाइड्स बी ओके okay. अगर ए डिवाइड यहाँ पे क्या होता है कि ए डिवाइड्स बी का मतलब होता है ओके okay? कि बी इज डिविजिबल बाय ए बी इज डिविजिबल बाय ए मतलब बी को मैं A से डिवाइड कर सकती हूँ या फिर लिख सकती हूँ या फिर लिख सकती हूँ ए इज डिविजर ऑफ बी क्या है ये जो है बी का डिवीजर है या फिर मैं लिख सकते हूँ बी इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग एनी नंबर दैट इज नेचुरल नंबर ए इंटू क्यू लिख देते ओके okay? और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देते ओके दैट इज बी इज मल्टीपल ऑफ इसका मतलब क्या है बी इज मल्टीपल ऑफ़ ए तो देखो अगर बी इज डिविजिबल बाय ए बी एक ऐसा नंबर है जिसको ए डिवाइड कर रहा है ओके okay? या फिर ए इज़ डिविजर ऑफ़ बी क्या बोल रहा है ए जो है मेरा बी का डिवाइजर है लाइक like आप पढ़ते हो ना स्कूल में कि फ़ोर है इसके डिवाइजर्स क्या है अदर वन टू एंड फोर सिमिलरली यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ ए डिवाइड्स बी जो लिखा है मतलब क्या है कि B जो है वो फोर है और A जो है वो टू है या फोर जो भी आप मान सकते हो मैंने टू माना ओके okay? तो हम जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं फोर डिवाइड टू विच इज टू तो हम बोल देते कि डिविजिबल हो गया डिवाइड हो गया मतलब डिवाइड कर देते और रिमाइंडर जीरो आता है और फिर आपका क्वेश्चन क्या आता है नो वेट अ सेकंड हाँ रिमाइंडर जीरो आता है तो हम बोलते कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाई टू ओके तो यहाँ पे हम इसको उल्टा लिखते हैं ए डिविजिबल बाई बी ओके या फिर बी इज डिविजिबल बाई ए हम इसे क्या बोलते हैं ए डिवाइड्स बी आप ये बोल सकते हो ए डिवाइड्स बी ओके ए क्या करता है बी को डिवाइड करा और ए जो है नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि ए जो है नीचे आएगा ओके okay. बी जो है बड़ा या इक्वल हो सकता है और ए नीचे आएगा जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ ओके ये okay. एग्जाम्पल आप लिख लो क्या सिक्सटी सिक्स डिविजिबल बाई इलेवन है सोचो तो आप लिख सकते हो सिक्सटी सिक्स इज एक टू इलेवन इंटू सिक्स देखो तो हम इलेवन के मल्टीपल में लिख रहे हैं ना एक चीज़ में दिखाना चाहूँगी आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया हम जो है यहाँ पे ए डिवाइड बी लिख थे, that means B is divisible by a ओके okay? मुझे शो करना है क्या 66 is divisible by a? तो यहां पे मैंने एक चीज बताया कि बी इज इक्वल टू ए इन टू क्यू क्यू जो है एक इंटीजर है ओके okay? मैं हर चीज को कवर करके चलते हूँ ए डिवाइड्स बी ए जो है नॉन जीरो होना चाहिए तो बी इज डिविजिबल बाय ए तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते बी क्या आपका देखो ये है सिक्सटी सिक्स ओके और ये है ए मतलब बी जो है सिक्सटी सिक्स है क्या बी इज़ डिविजिबल बाय ए मतलब सिक्सटी सिक्स इज़ डिविजिबल बाय ए तो मैंने क्या किया कि हाँ दिखा दिया कि सिक्सटी सिक्स जो है डिविजिबल है क्यों क्योंकि मेरा रिमाइंडर जीरो बच रहा बचपन में अगर डिविजिबल पूछा होता तो हम क्या करते जनरली देखो आप ऐसे सिक्सटी सिक्स को लेते हैं को लेते एंड जो भी हो सिक्स डाल करके सिक्सटी सिक्स आ जाता एंड रिमाइंडर जीरो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा तो हम बोल देते कि डिविजिबल बाय इलेवन uh, ओके okay. तो यहाँ पर हम क्या करते कि ऐसे लिखते हैं कि सिक्सटी सिक्स डिविजल बाई इलेवन या फिर हम लिख सकते सिक्सटी सिक्सटी सिक्स को अगर मैं ए के मल्टीपल में लिख दूँ तो भी मैं बोल सकती हूँ कि वो नंबर जो है डिवाइड करेगा सिक्सटी uh, सिक्स को क्योंकि देखो अगर ये ये नंबर डिवाइड कर रहा है एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक नंबर है सपोज uh, ट्वेंटी है ओके okay. तो ट्वेंटी को टू डिवाइड करता है करता है ऑब्वियसली कि टू टेन जॉ ट्वेंटी आता है तो क्या मैं बोल सकते हैं कि टू के सारे मल्टीपल करें तो जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे, लेकिन ये फोर सम इंटीजर होता है। मतलब सारे के लिए नहीं होता है देखो आप टू इंटू टू लिए ट्वेंटी डिवाइड्स फोर ओके तो यहाँ पे देखो फाइव आ रहा आ रहा है ना तो फोर जो है डिवाइड कर रहा बट सिक्स डिवाइड नहीं करा तो कुछ केसेस में क्या होता है डिवाइड कर जाता है और कुछ केसेस में डिवाइड नहीं करता है ओके <laughs> देखो 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 मैंने गलत तो बोल दिया ट्वेंटी डिवाइड अब डिवाइड करो तो इससे मैं टू इन थ्री भी लिख सकती हूँ ना तो टू कर दे तो टेन विच इज टेन बाई थ्री दिस इज रिमाइंडर ओके पॉइंट में आएगा बाकी टू के सारे मल्टीपल जैसे कि अगर टू डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल्स ऑल्सो डिवाइड ओके इसके मल्टीपल डिवाइड दैट नंबर मतलब ट्वेंटी को अगर टू है दो चार आठ वो सारे मुझे ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे ओके ये चीज क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं ये बेसिक चीज है मैं बता रही हूँ आज ओके अच्छा एक चीज आप देखो दिस इज थियरम है जो आपको समझना जरूरी है और कुछ नहीं चाहिए आपको आ, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी नॉन जीरो एंड बी क्या है आपका नॉन जीरो है देन ए का का मॉड मॉड लेस इक्वल टू बी मतलब जो ए है ना दिस ए इज लेस और इक्वल टू बी कभी भी ए जो है ग्रेटर देन बी नहीं बनेगा जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ले लो आप ट्वेल्व uh, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वहां पर ट्वेंटी फोर ले लो कि ये पॉसिबल है अब सोचो कि ट्वेंटी फोर से आप कभी ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हो वेट ए सेकेंड हाँ आपको बोला गया कि आप बारह ले लो और चौबीस से डिवाइड करा दो कि ये पॉसिबल है कि मैं बारह को चौबीस से डिवाइड करवा दूँ नहीं ना तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हुआ तो बारह तक ही जा सकता है तो मैं वन डालूंगी तो ट्वेल्व विच इज जीरो तो मतलब यहाँ पे जो है ये जो मेरा ये जो टर्म है वो हमेशा लेस और इक्वल मतलब लेस मीन्स यहाँ पे आप फाइव ले लो फोर ले लो थ्री ले लो एनी थिंग यू कैन टेक ओके बट ग्रेटर देन 12, इफ यू चूज ग्रेटर देन 12, देन इट इज मीनिंगलेस, ओके तो आपको बी सॉरी ए जो है वो बी से लेसर या इक्वल लेना उससे बड़ा हम नहीं ले सकते और बी को जीरो भी नहीं लेना अगर आप बी को जीरो ले रहे हो ओके okay, अगर बी को आप जीरो ले लिए तो यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले लो थाउजेंड ही ले लो तो थाउजेंड भी जीरो को डिवाइड करेगा ओके okay? तो जो कि मेरा ग्रेटर देन हो गया मतलब ए ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई तो कर गया ना तो विच इज मीनिंगलेस तो मतलब बी जो है हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल्स में पढ़ो कि क्या होने से क्या नहीं अगर ये हो गया तो क्या होगा अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा ओके okay? आप डिटेल्स सोचा भी करो खुद से ओके अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड बी प्लस सी ओके एंड ए डिवाइड बी माइनस सी ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए को मतलब बी को ए डिवाइड कर रहा और सी को भी ए डिवाइड कर रहा तो जो उनका सम है उसको ए डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी ए डिवाइड करेगा ओके तो इधर आप ऐसे देख सकते हो कि बी को हम कुछ ए के मल्टीपल में लिख सकते क्यू इन टू ए और ए को यहाँ पे हम लिख सकते सॉरी सी को लिख सकते पी इन टू ए ओके okay, अगर दोनों का सम कर देंगे मतलब बी प्लस सी क्या हो जाएगा क्यू इन टू ए प्लस पी इंटू ए तो अब देखो ए को कॉमन ले सकते पी प्लस क्यू तो ये A क्या होगा कोई नंबर आ जाएगा मतलब ए इंटू के लिख सकते हैं तो ये ए के ए का मल्टीपल ही हो गया ना मतलब बी प्लस सी जो है उसको भी ए डिवाइड करता है मतलब ए इज डिविजिबल बाय बी प्लस सी ओके बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय ए, ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो ये इसका ए, नहीं चाहते हुए भी, भी प्रूफ मैंने दिखाया कि अगर बी जो है वो बी को अगर ए डिवाइड कर रहा और सी को ए डिवाइड कर रहा तो बी प्लस सी को भी ए डिवाइड करेगा सिमिलरली फॉर बी माइनस सी तो यहाँ पे आ जाएगा ए डिवाइड्स बी माइनस सी बस यहाँ पे जो मैंने प्लस लिखा है तो देखो यहाँ पे कोई इंटीजर आ रहा हो वहाँ पर कुछ अलग इंटीजर आ जाएगा ओके सपोज आपका आ गया कुछ एम लिख देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू एम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से मैं क्या बोल सकते हो कि A B C, okay? कि ओके जैसे आप बोलोगे एक चीज कि आप ये स्टेप से ये स्टेप कैसे लिख दे रहे हो मतलब बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि आप ये स्टेप से ये स्टेप कैसे लिख रहे हो तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ाया देखो हाँ यहाँ पे देखो आप देखो ए डिवाइड्स बी ओके यहाँ पे पता है तो बताए न बी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू अगर ए डिवाइड्स बी है मतलब देखो बी नीचे है ए पहले है तो मैं लिख सकती हूँ बी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू ये फॉर्मेट याद रखने के लिए मैं आगे पीछे आपको बता रही हूँ अगर जो बी है वो बड़ा नंबर है छोटा नंबर है तो उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं ना मतलब अगर मेरा बी इज इक्वल टू ए इन क्यू है तो मैं बोल सकती हूँ कि ए डिवाइड्स बी सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाओ, ओके, okay? देखो यहाँ पे क्या है कि बी प्लस सी बी प्लस सी जो है ए okay? कि मैंने के मान लिया तो यहाँ से क्या बोल सकते हुआ? कि बी प्लस सी वहां पे क्या था कि बी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए डिवाइड्स B वहां पे बोल रहे थे ना तो ये चीज ओके? Okay? आपको ये समझ आ गया अब आगे चलते ओके? हाँ बी देन ए डिवाइड सी अगर ए जो है बी को डिवाइड करा दैट इज बी इज मल्टीपल ऑफ ए एंड बी जो है सी को डिवाइड कर रहा सॉरी सी इज मल्टीपल ऑफ बी देन सी इज एम टाइम्स बी देन मुझे शो करना है कि सी ऑल्सो डिवाइड है मतलब सम के टाइम्स ए अगर दिखा दूके okay? अब देखो अगर ए बी ए को डिवाइड करा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो मुझे सी लाना है मैं सी के लिए क्या कर सकती हूँ तो आप यहाँ पे देखो जो यहाँ पे एम है ओके okay? मैं एम बी है तो यहाँ पे एम बी की जगह पे ए इंटू क्यू लिख सकती हूँ ना ओके तो देखो एम और क्यू जो है कांस्टेंट्स ऐसे लिख दिया मैंने ए तो इसे मैं एक न्यू नंबर मान लेती हूँ के इन टू ए तो मैंने क्या किया ये शो कर दिया कि सी इज इक्वल टू के इंटू एन्सल टू के इंटू एग्जाम्पल पे चलते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए ओके okay, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल पे यहाँ पे देती हूँ एग्जाम्पल ओके बी को मान लो आप फोर सी को मान लो आप एट और ए को मान लो आप टू दैट मीन्स टू डिड फोर ओके एंड फोर जो है एट को डिवाइड करता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या टू एट को डिवाइड करेगा तो यहाँ ऑब्वियसली करेगा मतलब ये एक एज अ प्रॉपर्टी याद करो कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा और बी सी को डिवाइड कर रहा तो ए जो है मेरा सी को डिवाइड करेगा ओके दिस इज प्रॉपर्टी अच्छा अब आगे चलते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी सोच सकते हो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी ओके दिस इज माय फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज इफ A divides B, then for any integer, then for any integer X A divides B into X. क्या बोल रहा है अगर a b को डिवाइड करता है तो कोई ऐसा इंटीजर कोई ऐसा इंटीजर के लिए a डिवाइड्स b into x अगर a b को डिवाइड करता है मैं लिख सकती हूँ कि b सम k times a ओके okay? तो एक ऐसा इंटीजर x मिल सकता है ना जो कि मैं लिख सकती हूं uh, k into x वेट अ सेकंड मैंने बहुत सारे x से मल्टीप्लाई कराया ओके okay? तो b इंटू एक्स इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू एक्स ओके यहाँ पर लिख सकते हैं बी एक्स और ये क्या हो गया a इंटू के एक्स लिख सकते हैं तो देखो फॉर्मेट बन गया ना तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि a डिवाइड्स बी एक्स मतलब a जो है बी एक्स को डिवाइड करता है एग्जाम्पल से चलते हैं ओके okay? b को मैंने मान लिया फोर a को मैंने मान लिया टू तो क्या फोर सॉरी फोर को टू डिवाइड करता है मतलब डिवाइड सॉरी बी को डिवाइड करता है तो एक ऐसा X करेगा जिसके लिए बी एक्स बी इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरा अब देखो एक्स को मैंने मान लिया फोर सपोज तो फोर इंटू फोर विच इज सिक्सटीन सिक्सटीन मिला ना तो क्या सिक्सटीन को टू डिवाइड करता है यस yes. तो मतलब कोई सा भी x चूज करो फॉर एनी देन फॉर एनी इंटीजर x मतलब टर्म्स को थोड़ा ध्यान देना मतलब फॉर ऑल फॉर एनी ये सब काम आते हैं ओके अगर a b को डिवाइड कर रहा तो आप कोई सा भी इंटीजर x लो तो वो क्या करेगा a इंटू सॉरी बी एक्स को भी a डिवाइड करेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ अगर a जो है b को डिवाइड करता है तो कोई सा भी आप इंटीजर उठा लो अपनी मर्जी से तो उसका जो मल्टीपल होगा बी के साथ उसको भी ए मेरा डिवाइड करेगा ओके दिस इज माई फोर्थ प्रॉपर्टी एंड कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी ओके माई लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी देन फॉर एनी देन फॉर एनी इंटीजर एक्स एंड वाई आप कोई सा भी इंटीजर ले लो ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई ओके मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ सेम जैसे मैंने बताया वैसे करना अगर ए डिविजिबल बाय बी गिवन है तो मुझे कुछ भी नहीं करना फर्स्ट स्टेप इज मुझे लिख देना बी इज इक्वल टू सम के टाइम्स ए सी बी डिवाइड सी लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ सी इज इक्वल टू टाइम्स बी लिख सकती हूँ तो मुझे शो करना है कि ए इज इक्वल टू ये मतलब तो मुझे शो क्या करना है टू शो टू शो कि बी एक्स प्लस सी वाई इज सम मल्टीपल ऑफ एन मान लेते हैं एन टाइम्स ए ओके okay. अगर अगर देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो बी एक्स इज इक्वल टू ए को बाहर रख दो के एक्स लिख सकते हैं okay. ओके अब देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करा दू वाई का तो एम इंटू बी इंटू वाई ओके अब एम इंटू देखिए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ बी को मैं के इन टू ए लिख सकती हूँ तो एम इज़ इक्वल टू के इंटू ए इंटू वाई ऐसे लिख सकती हूँ ओके तो देखो यहाँ से अगर मैं ए को बाहर रख दूँ एम इंटू के इंटू वाई वो एक नया इंटीजर बनेगा मतलब अगर ये तीनों इंटीज़र है तो उनका मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कुछ इंटीजर बनेगा मान लेते वो एन है तो देखो सॉरी एन नहीं एम कुछ अलग ले लेते क्यू ले लेते ओके okay? तो देखो मैं कलर चेंज कर रही हूँ फर्स्ट से मुझे क्या मिला ये फर्स्ट दिस इज सेकेंड ओके अब दोनों को सम कर दो वन प्लस टू तो आपको क्या मिल जाएगा अगर आप वन प्लस टू करोगे तो बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स के एक्स को मान लो ए टाइम्स आ, इसे मैं मान लेती हूँ एफ ओके ए टाइम्स एफ प्लस ए टाइम्स क्यू तो ए कॉमन ले, ले लेंगे तो एफ प्लस क्यू दोनों इंटीजर है तो उनका सम भी कुछ इंटीजर है का मान लिया मैंने एन ओके okay. तो मुझे शो क्या करना था कि ए बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एन इन टू है तो मुझे मिल गया ना कि बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एन इंटू ए दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया आपका आ, ए ए वेट यहाँ से क्या मिला प्लस सी वाई ओके अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ मैंने माना बी को फोर सिंपल एकदम सिंपल लेके चलेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो चीजों में हमें तो प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कि बी इज इक्वल टू फोर ए इज इक्वल टू टू एंड सी इज इक्वल टू एट ओके मुझे शो करना कि ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी अब एक्स वाई कुछ भी रैंडमली चूज करो आप खुद से चूज करो ना मान लो आपने चूज किया फोर एक्स को और वाई को सपोज मैं आपने मान लिया एट ओके एट ना लेके बोलोगे कि मैम सेम सेम ले ले रही हैं मैंने मान लिया वन ओके okay, सबसे ईजी अब देखो बी एक्स प्लस सी वाई निकालो तो बी क्या है आपका फोर इन फोर प्लस सी वाई हो गया एट इन वन क्या हो गया फोर फोर जा सिक्सटीन एंड एट इन टू वन विच इज एट तो सिक्सटीन प्लस एट क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर क्या ट्वेंटी फोर को टू डिवाइड करता है ऑब्वियसली करता है तो ये क्या हो गया कि अगर एक ए अगर बी को डिवाइड सॉरी ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है और बी अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो ऐसा एक्स वाई मिलेगा जिसका अगर मैं लीनियर कम्बिनेशन कर दूँ ओके okay? अगर मैं लीनियर कम्बिनेशन कर दूँ तो वो वो नंबर को भी ए डिवाइड करेगा ओके okay? ये था मेरा मेन कंसेप्ट तो देखो ये पहली बात मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी ओके नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो अलग बात है अगर ए डिवाइड्स बी है तो माय फर्स्ट वर्क इज़ मतलब मुझे आंख बंद करके क्या करना कि बी इज इक्वल टू के टाइम से मतलब कोई मल्टीपल ऑफ ए बनेगा अगर सी डिवाइड्स बी है तो सी को मैं कोई मल्टीपल ऑफ बी लिख दूंगी मतलब मुझे प्रूव करने का आइडिया चाहिए तो सबसे पहला काम वही होगा तो फॉर एनी इंटीजर एक्स एंड वाई तो मुझे ये शो करना मुझे ये शो करना है का मतलब क्या हो गया कि मुझे ये दिखाना अब क्या करेंगे देखो मुझे ए अलग गिवन है बी अलग गिवन है और मुझे सम में लाना मतलब मैं क्या करूँगी कुछ भी फॉर्मेट करके ए के मल्टीपल में मैं बनाऊंगी मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि मैं ए के मल्टीपल में बनाऊंगी तो यहाँ पे बी एक्स के लिए मैंने ए को मल्टीपल में बनाया सी वाई को भी देखो मैंने ए के मल्टीपल में लिया है, और सीमे इजीली मेरा प्रूव हो गया देखिए यहाँ पे इजीली प्रूव हो गया ना मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा ओके okay? तो नेक्स्ट वीडियो में डिविज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे मतलब डिविज़न एल्गोरिथम का पूरा प्रूफ मैं करवाऊंगी ओके okay? आप चीज़ों को एंजॉय कर करके पढ़िए और एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़िए और थोड़ा सा टर्म्स जैसे फोर एनी देयर एग्जिस्ट इन टर्म्स पे आप ध्यान रखा कीजिए ओके तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ओडिशन स्टूडेंट कि वी आर लॉन्चिंग ए कोर्स फॉर सी पी ई टी ओके सी पी ई टी क्या होता है मैं बताना बता देती हूँ लाइक uh, like, uh, आप सी यू टी जानते हो जो सेंटर के लिए एग्जाम होता है अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है इंडिया के तो आप सीटी देते हो जिससे कि आप मास्टर्स कर सकते हो ओके okay? मतलब अभी तो अगर आप ग्रेजुएशन में तो आगे आप मास्टर्स के लिए ही जाओगे ना तो मास्टर्स कर सकते हो बट सी पी क्या होता है कि ओडिशा में एग्जाम होता है और उसके थ्रू आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से मास्टर कर सकते हो ओके okay? तो हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे फॉर स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू प्रिपेयर देन आप ज्वाइन कर सकते हो हमें ओके okay? ये आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही मिल जाएगा कि कब से स्टार्ट होगा और चीज़ें कैसे कैसे होंगी और ये गारंटी है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मतलब आपको बेसिक से पूरा लास्ट तक का पढ़ाया जाएगा इवन सारी चीज़ें कंप्लीट मैनर्स में पढ़ाए जाएंगे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो और फैकल्टी होंगे जो आपको आंसर कर रहे होंगे ओके आई होप Uh, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप जूनियर हो तो आप अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ख़ुद के लिए देखो और अगर आप अगर अभी देखो जैसे कि आपको फोर टू फाइव फोर मंथ्स में आई थिंक uh, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा ओके okay. बट आपके जब जूनियर्स आएंगे कंपटीशन तो बढ़ रहा है तो आप उन्हें रिकमेंड करो कि नहीं अगर आपको लगता है कि आप यू वांट टू प्रिपेयर तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र किया करो ओके आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग